की सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के टॉपिक को लेकर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि सीरीज में केवल हम आपको प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम लोग यहाँ से ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे उन्हें कैसे हल करना है। तो इस सीरीज के अंत तक बने रहने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, आप तो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को एक बात ध्यान रखना होगा, एक बात भी आप लोग को भी जानते रहना होगा, क्योंकि जो आपके सामने प्रश्न बैंक है इसमें केवल आपको प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना है, बल्कि आपको यह भी जानते रहना है कि जो प्रश्न बैंक है ये कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, और आपके परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कैसे इन्हें हल करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर, इन बातों को जानकर ही हम सभी को अपनी सीरीज की शुरुआत आपके साथ करनी होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की सीरीज में? तो चलिए, आज की सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ नया सिखाने वाली है। तो एक एक करके हम प्रश्नों को हल करेंगे और ये जानेंगे कि जो ये प्रश्न बैंक है ये कहां कहां से आपके परीक्षा में प्रश्न लेकर आए हैं, कहां कहां से ऐसे परीक्षा में प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहां पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि संसद में चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को जो प्रश्न है एक एक करके हल करिएगा, लेकिन आपके सामने एक ड्रॉबैक खुलेगा जहाँ पर आप हम प्रश्नों को ये देख कर ये बताएंगे। आप अपने विकल्प को ताला लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये पंचायत चुनाव की है, यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की आयु है 18 वर्षीय मतदाता की उम्र है, मतदाता की उम्र, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है 25 वर्ष। मतलब आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो विकल्प को ताला लगाया, विकल्प को लॉक किया है, उन सभी के जवाब ज्यादातर लोग के हैं 25, और जो कि पूरी तरह से सही है, माने 25 वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछूंगा कि आपको प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होगी, या प्रधानमंत्री के साथ साथ एक प्रश्न आ जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर न्यूनतम पूछ देगा तो 25 वर्ष ही आपको जवाब देना है। माने प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम सीमा कहे या आपके सामने मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम सीमा है, तो आप 25 वर्ष ही होगा। संसद का चुनाव लड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, संसद का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा की उम्र क्या होगा? 25 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पर राज्यसभा होता तब, अगर यहाँ पर राज्यसभा होता तब न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होता, न्यूनतम उम्र सीमा जो होती वो 30 वर्ष होती। ये दोनों बातें आप लोग जानते रहेगा, ये दोनों प्रश्न आप आसानी समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आप गलती कर जाएंगे, इसलिए इन तथ्यों को याद रखिएगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? यहाँ से अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो तथ्य थे मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट करने का, देखिए एक प्रश्न आया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की और मुख्यमंत्री बनने की, पीएम या सीएम बनने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष है। किसी ने कमेंट करके गलत दिया तो उसको जान लीजिएगा आप लोग, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, जो उनकी उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा वो कितनी है, वो है आपकी 25 वर्ष है, याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने चार विकल्प है, किसी एक विकल्प को ताला लगाइए। ये वीडियो आप फेसबुक पे जो यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव देख पा रहे हैं मेरे द्वारा, देखिए यहाँ पर है, जब स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जिस स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तब कौन था? देखिए इसे हम 3 जून की योजना के नाम से जानते हैं, इसे हम 3 जून की योजना के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प में आपको ताला लगाना है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो उसमें से किसी एक विकल्प के ताला लगाएं। देखिएगा 3 जून योजना, इसके बारे में बता दूं, जब स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, आचार्य जे बी कृपलानी थे।
कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। मतलब यहाँ पर आधे लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं बताया है। सोचिए कितनी गलतियां आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के लैंड जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना था, घोषणा योजना स्वतंत्रता के लिए थी, ये 3 जून 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन में की। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के 34वें व अंतिम गवर्नर जनरल थे। एक प्रश्न आपके परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। और स्वतंत्रता की इस योजना को हम 3 जून की नाम से जानते हैं। कितने जून के नाम से? 3 जून के नाम से जानते हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, जो मैंने आपको पूरी स्पष्ट रूप से बता दिया। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला है आपके सामने, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किस, और ये सीरीज हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से ताला लगाइए विकल्प को। थर्मल पावर कहते हैं, थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। यह भारत की कुल बिजली उत्पादक का 60% अकेले उत्पादित करता है लगभग। इसके पहले की सीरीज में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो जल्दी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने जो सही उत्तर है उसका जवाब आधे लोगों ने भी नहीं दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इस प्रश्न का उत्तर होगा तापीय बिजली। क्या होगा? तापीय बिजली। तो भारत में लगभग कुल उत्पादन का जो तापीय बिजली का हिस्सा है वो लगभग 60% है, जो सर्वाधिक होता है। नाभिकीय कितना होता है ये हमने कल के सीरीज में पढ़ाया था। अगर आपने ध्यान से सीरीज को पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा कि उसमें कितना है। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके बार बार पूछा जाता है। 15 सेकंड है आपके पास विकल्प को ताला लगाने के लिए, और 15 सेकंड में आप बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को आपने सही ताला लगाया। देखिए, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, एक प्रश्न आपका हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तब ये कब हुआ था? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जी हाँ, अब हम इसके प्रश्न के उत्तर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। माने बीस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। जी हाँ, जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले और वीडियो आपको पूरी तरह से HD में दिखाई देगा। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। क्लियर? और किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो पूंजी है वो कैसे बनती है? ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, और मैं चाहूंगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब भी देंगे। ऋण से, घाटे की वित्त व्यवस्था से, राष्ट्र से। अच्छा, IMF की फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करिएगा। 5 सेकंड आपके पास और अपने विकल्प को ताला लगाने की। इन 5 सेकंड में आप अपने विकल्प को ताला लगा कर बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताइए। देखिए, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? देखिए, यहाँ पर कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है, और पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, आप विकल्प को नहीं ला कर पाएंगे आप। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया है वो ज़्यादातर लोगों ने गलत दिया है। इसकी स्थापना, अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय अनुसार अगर देखा जाए तो 27 दिसंबर
1945 को स्थापना हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बाद हुआ था, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन कहाँ पर है? यूएसए में है। वास्तु में अपना कार्य ये शुरू किया, कार्य कब से शुरू करता है ये अगर कार्य देखा जाए तो ये 1 मार्च 1947 से ये अपना काम शुरू करता है। संगठन में सर्वप्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो सहयोग होता है वो इसके सदस्य राष्ट्र से ही होता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है। और देखा जाए इस विकल्प को केवल 36% लोगों ने जवाब दिया था। मतलब सोचिए कि अगर आप लोग इस तरह से जवाब अगर परीक्षा हाल में देंगे तो सिलेक्शन उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसे प्रश्न को अगर आप नहीं समझेंगे, अभी भी नहीं समझेंगे, तो शायद दिल्ली दूर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट शायद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जवाब 100% सही होना चाहिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं 100% जवाब इसका सही आना चाहिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। जी हाँ, गोल्ड पेपर, सही कहा आपने। जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। देखिए आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी था, मैंने बताना भूल गया। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देख रहे होंगे तो ज़्यादातर लोगों ने जवाब सही दिया। मतलब मुझे लगता है कि आपका जो रिजल्ट आया होगा वो 100% होना चाहिए, लेकिन फिर भी 100% नहीं है। मतलब 73% लोग, जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न का उत्तर सी, सुचिता कृपलानी भारत किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और किस राज्य की? यूपी की। मतलब एक बात तो और आपको जानना है कि मुख्यमंत्री भी थी कहाँ की, ये उत्तर प्रदेश की थी। अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए, क्या कोई बता सकता है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सवाल आपके सामने है, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आपके सामने 4 विकल्प है, उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करिए। देखते हैं कितने कम समय में आप अपने विकल्प को लॉक कर पाते हैं, और ये देख पाते हैं कि आप परीक्षा हाल में अपना कितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना होगा आप सभी को। अब यहाँ पे आपका जो विकल्प लॉक करना समय समाप्त होता है। यहाँ पर हमने ही देखा कि गीता मेहता, माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर है, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? दीपा गीता मेहता। कौन है? गीता मेहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? देखिए मैं यहाँ पे कई चीज़ें आपको स्पष्ट करूँ। आपके सामने 4 विकल्प, किसी एक विकल्प को लॉक करना है आपको। यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे एक है लाइफ डिवाइन, एक दूसरी पुस्तक आती है डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। तीसरा है अगर इसमें देखें तो डिवाइन लाइफ, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर हम डिवाइन लाइफ की बात करें तो इसके लेखक शिवानंद हैं। अगर डिवाइन कॉमेडी की बात करें तो दाते हैं, कौन है? दाते कहाँ के हैं? इटली के हैं। अगर लाइफ डिवाइन की बात की जाए, इसमें प्रश्न आपका पूछा गया है। अब आप यानी विकल्प को ताला लगा लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने दिया है, 66% लोगों ने दिया है अरविंद घोष को। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरविंद घोष।
यार वीडियो को जितने लोग देख रहे हो लाइक का बटन दबाने के बाद वीडियो को शेयर कर दें। हम आपको उन चीज़ों को भी बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन लाइफ। यहाँ से देखिए ये दोनों लगभग सेम लगते हैं, डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन, तो दोनों को मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया। स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे तो आपसे गलती जरूर होगी। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। समझ में आ गया सबको, किसी के मन में कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लेगा, नहीं कोई सवाल है कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, निम्न में से 2020 क्रिकेट नियमों में से कौन सा नियम सही नहीं है, माने तीन नियम सही हैं और एक नियम सही नहीं है। अब आपके पास 15 सेकंड है और आप 15 सेकंड में किसी एक विकल्प को ताला लगाएंगे और ताला लगाकर ये बताएंगे कि आप अगर परीक्षा हाल में होते तो कौन से विकल्प का आप चयन करते। कि सामान्य दिन की सीरीज में एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपकी लनी भी दुर्गेश की तरफ से है, घर बैठे निःशुल्क शिक्षा आप ले सकते हैं और साथ साथ अपने जो परिवार है उनका भी सपनों को साकार कर सकते हैं, बस बेस्ट देते रहिए अपना। सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे बार बार कहना पड़ता है। चलिए ध्यान से देखना है, आइए इनके इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक पारी के समय सीमा 75 मिनट होती है, इसके बाद बाउल किए गए हर ओवर की बैटिंग करी टीम को 36 रन मिलते हैं। यदि विकेट गिरने के बाद 90 सेकंड के अंदर बैट्समैन क्रीज पर न पहुंचे तो बॉलिंग कर रही टीम को डन के 5 अतिरिक्त रन मिलते हैं। एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बाउल कर सकता है। पारी के पहले 6 ओवरों के लिए फील्डिंग प्रतिबंधित लागू होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा गलत है, देखते हैं यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कौन सा गलत है। यहाँ पर आपका ताला लगने वाला जो विकल्प है देखते हैं कितना हद तक सही है आप लोग। तो एक ओवर में 6 बाउल की जगह 4 ओवर फेंक सकता है, मतलब यहाँ पर सी गलत है। जो गेंदबाजी होती है वो गेंदबाजी 4 ओवर होती है, एक बॉलर चार एक पारी में अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, मतलब यहाँ पर जो गलत है वही आपका सही है। समझ आ गया, यहाँ पे लिखा एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बाउल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ये होगा। एक पारी की समय सीमा क्या होती है, 75 मिनट की होती है, उसके बाद बाउल किए गए हर ओवर के लिए बैटिंग टीम को 36 रन मिलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको ये समझ में ना आया हो या जिसको लग रहा हो कि नहीं नहीं यहाँ से कुछ और प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए, क्योंकि देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगला है आपके सामने, निम्न में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप चाहेंगे इसे जरूर दे लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना है और ये आपको बताना है, जैसे मैं यहाँ पे मैप बना दूँ, माना है हमारे भारत का नक्शा है, माना ये हमारा भारत है, तो उत्तरी अक्षांश की बात करें जितना ज़्यादा ये नॉर्थ की बात करेगा। पंचमढ़ी कहाँ पे है, एमपी में है। अहमदाबाद कहाँ, इलाहाबाद यहाँ पर है। ठीक है, और पंचमढ़ी लगभग शायद यहाँ पर पंचमढ़ी है और अहमदाबाद यहाँ पर है, लेकिन पटना यहाँ पर है। तो सबसे उत्तर में अगर आप देखें तो सबसे उत्तर अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, पटना। सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तरी अक्षांश में अगर आप देखें मैप में तो आपको क्या मिलेगा, आपको पटना ही मिलेगा। तो मतलब अगर आप मैप को नहीं देख रहे हैं तो मैप देखना शुरू कर दीजिए, केवल भारत का हर पहलू से देखिए कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है कौन सा किस राज्य में पड़ता है। जैसे ये यूपी में पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग का सभी लोग जवाब अपना लॉक करिएगा, देखते हैं सबसे सही विकल्प किसका लॉक होता है।
चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। आप लोग जल्दी विकल्प लॉक करिए, अपने साथी मित्रों को बताइए। चलिए आपके पास 3 सेकंड और है अपने विकल्प को लॉक करने का, 1, 2, 3। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ठीक। और याद रखिएगा, ये पहले ऐसे गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनाए गए, मतलब एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाले सवाल हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में जरूर से जरूर सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप अपने विकल्प को 15 सेकंड में ताला लगाइए, बताइए। देखिए, नाट्यशास्त्र को संगीत की बाइबिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? संगीत की बाइबिल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, और ये यहाँ से इसलिए पर प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। आइए यहाँ पे आप 3 सेकंड आपके पास, और उसके बाद आप ताला नहीं लगा पाएंगे अपने विकल्प को। यहाँ पर ये होगा भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं और नाट्यशास्त्र को संगीत की बाइबिल कहते हैं। अगर पतंजलि की बात करें तो महाभाष्य, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, परीक्षा प्रश्न आते हैं। अगर हम योग दर्शन के प्रणेता भी थे, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, कपिल मुनि किसके थे? सांख्य दर्शन। कबीरदास बीजक, ये जो भी मैंने आपको लिखवाया है यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप लगातार परीक्षा दे रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे तो आपको ये लगेगा कि दुर्गेश्वरी क्लास एक दिन भी आप मिस नहीं करेंगे, कि हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जहां से आपकी परीक्षा में सीधे या हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक आप पहुँचा दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा इन साहब सभी के लिए निःशुल्क लाइव उपलब्ध है, बताइए जल्दी से। कह रहा है कि 110 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाले संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है, कहां पे? चीन में, भारत में, कहां पे? बताइए सब लोग, सभी लोग। चलिए 5 सेकंड आपके पास है, उसके बाद आप विकल्प ताला नहीं लगा पाएंगे। चलते हैं, ठीक है। यहां पर यूएसए अर्थात अमेरिका, अगर देखा जाए अमेरिका का इंडियाना प्रांत कहां पे? इंडियाना प्रांत। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। यह परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण था, तो जहां पे आप लोगों ने इसे पढ़ लिया, जहां पे आप लोगों ने इसे जान लिया, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, माने 3 है और 1 नहीं है। 15 सेकंड है, आप अपने प्रश्न का विकल्प को लॉक कर सकते हैं, 15 सेकंड बाद आप इस विकल्प को नहीं लॉक कर पाएंगे, ठीक है। सभी बताइए फटाफट, क्यों निकले सभी सब जितने वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप सभी के लिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। चलिए ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि शंभू महाराज कथक, भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म, अमीर खुसरो सरोद। देखिए, अमीर खुसरो का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, उसने भारतीय इस्लामिक संगीत शैली के सम्मुख में अनेक, चाहे यमन, उसाद, मुआफिक, धनय, मुंजीर, फरगना राग को जन्म दिया। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अमीर खुसरो? क्या कहते हैं?
इसे तूतीय हिंद कहते हैं, तूतीय हिंद कहते हैं। भारत का तोता अर्थात भारत का तोता कहते हैं। सितार तबले के आविष्कारक हैं, ये किसके हैं? सितार व तबले के आविष्कारक हैं, इसलिए ए गलत है और जो गलत है वही सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प आप लोग ने बताया, अब पूछा जाए तूतीय हिंद किसे कहते हैं, तो क्या आप लोग बता लेंगे कि सर तूतीय हिंद किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, बताइएगा। पंद्रह सेकंड है अपने विकल्प को ताला लगाने के लिए, फटाफट बताइए। चलिए, यहां पर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बार बार लोग यहां पर दिए गए प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन से हल्की होती है, हीलियम हल्की होती है, लेकिन इसके साथ साथ हीलियम हल्की होती है लेकिन एक चीज और होती है, अज्वलनशील होती है। अज्वलनशील होती है, इसको गुब्बारे में भरा जाता है, जिसका उपयोग मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए भी किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल के लिए भी। इसको ठंडे वायु वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न तार के अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, मतलब यहां पर यह अदा है, यह अज्वलनशील भी है। यह क्या है? अज्वलनशील है, यह अज्वलनशील है क्योंकि हाइड्रोजन की अपेक्षा यह कम ज्वलनशील है। इसलिए प्रश्न का उत्तर अगर आपको परीक्षा में लगाना होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का प्रयोग। यह हल्की व अज्वलनशील होती है। क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट है बताइए। 0% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, 0% लोगों ने। ऐसी गलती मत करिएगा परीक्षा हाल में। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रेडी हो जाइए आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने पर जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आप सभी को जवाब देना अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है, चाहे जहां पढ़ रहे इस प्रश्न को, इलर्निंग विद दुर्गेश पे जहां भी पढ़ रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है। बताइए, देखिए सभी लोग को इस प्रश्न का जवाब देना है और अपने विकल्प को ताला लगाइए। यहाँ पे आपको ये जवाब देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने प्रश्न लोग का जवाब सही आता है। चलिए, अब आप 3 सेकंड आपके पास और है अपने विकल्प को लॉक करने का। किसी प्रश्न का 100% जवाब नहीं आता। यहाँ पे हमने देखा कि ज्वाला इतनी गर्म होती है जल को ठंडा नहीं कर पाता, गलत। जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल पेट्रोल और रासायनिक क्रिया से हो जाती है, जी नहीं। देखिए जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणी है, पेट्रोल के ऊपरी परत बनता है वह जलता रहता है। पेट्रोल क्या होता है? जल के ऊपर आ जाता है, इसलिए वो जलता ही रह जाता है। मतलब ये अविलयन है, इसका घनत्व तो जल के घन जल से कम है, और ये पेट्रोल पानी में ऊपर तैरता रहता है, और पेट्रोल जल के ऊपर तैरने से
जब आग लगती है ऊपर जलता रहता है, नीचे नहीं जा पाता। इसलिए यहाँ पर यह बात आप लोग को हमेशा याद रखना होगा या हमेशा जानना होगा कि पेट्रोल में जब आग लग जाती है उस पर पानी डाला जाता है तो पानी से ऊपर पेट्रोल ही आ जाता है और आपके आप काबू नहीं पा पाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि नहीं गुजर सकती, बहुत ही आसान प्रश्न है। चार विकल्प आपके सामने, इसमें किसी एक विकल्प को लॉक करना है। बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी लॉक करिए। ध्वनि नहीं गुजर सकती, 5 सेकंड है आपके पास। जल से, स्टील से, वायु से, कहां से? चलिए ध्यान से देखते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्वात से। क्या होगा? निर्वात से। तो ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरती, यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। और ऐसे भी यह परीक्षा वाले प्रश्न है, परीक्षा में यहाँ से सवाल जरूर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को आपस में पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? ऐसे प्रश्न हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा इस प्रश्न में आप लोग गलती करें। आयनमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। हमारे सौरमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान मध्यमंडल में मिलता है। बहिर्मंडल में लगातार तापमान बढ़ता चला जाता है और हल्की गैसें बहुतायत मिलती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो बताइए आप लोग। चलिए आपके पास 3 सेकंड और बचे हैं अपने विकल्प को लॉक करने का। सभी लोग विकल्प लॉक नहीं करते क्या? चलिए यहाँ पे हमने देखा आयन मंडल। तो यहाँ पीछे भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आयन मंडल स्वतंत्र आयन की मात्रा पाई जाती है और जो विद्युत चुंबकीय घटनाएं यहीं पर होती हैं, सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति, उल्का की चमक इस भाग में घटती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पृथ्वी पर लौटा देता है। यदि यह न होता तो रेडियो तरंग के भूतल पर ना आकर आकाश में चली जाती हैं। अगर यह ना होता तो जो रेडियो तरंगें होती हैं पृथ्वी पर नहीं आती बल्कि वापस वहीं से अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इस प्रकार हम लोग जो न्यूज़ देख पा रहे हैं, जो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे हैं, जो मोबाइल से बात कर लेते हैं, रेडियो चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, वो नहीं कर पाते आप। अगला सवाल आपके सामने है, जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? ये यूपी स्पेशल का सवाल है। जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जाएं फटाफट कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताएं। चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। चलिए आपके पास कुछ सेकंड और बचे हैं। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, यहां पे प्रश्न बहुत कुछ छूटा हुआ है। देखिए जनश्री बीमा योजना ये हथकरघा एवं पावर लूम बुनकरों के लिए आया था। ये जो बीमा घोषित किया गया था, ये जो योजना था ये घोषित हुआ था 2002 में। अगर लागू पूछ लिया जाए तब तो ये था 2003 से 4 तक और इसमें जो शामिल थे 18 से 60 साल के बुनकर। यहां से ये परीक्षा आपके प्रश्न आ सकता है, इनमें जो बुनकर शामिल थे उनकी जो उम्र रखी गई थी वो कितने से कितने थी। तो यहां भी परीक्षा में आपके सवाल आता है, तो यहां से मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 विकल्प आपके सामने, उसमें से किसी एक का जवाब देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए अब आप लोगों ने विकल्प में ताला लगा लिया है, अब नहीं ताला लगा पाएंगे, जल्दी विकल्प को लॉक किया करिए आप लोग। क्या सबके सामने विकल्प का ताला खुलता है, चारों विकल्प के? ऑफ कोर्स सबके सामने खुलता होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चार होते हैं। देखिए मानव हृदय का संपूर्ण भीतरी भाग चार कक्षों में बटा होता है। इसके तहत दाई तरफ का ऊपर वाला कक्ष दाया लिंग तथा निचला कक्ष दाया नील, बाईं तरफ भी ऊपर वाला कक्ष बाया अलिंद और तथा नीचे वाला कक्ष बाया नीलय। नीलयों की अपेक्षा अलिंदों की भित्तियां पतली होती हैं। अगर देखा जाए तो दाया अलिंद हृदयागार का वह भाग है जिसमें शरीर का भ्रमण करके लौटा हुआ जो अशुद्ध रक्त आकर एक स्थान पर इकट्ठा होने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तैयार हैं आप लोग? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी फटाक से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। और क्या अलग होते हैं इससे, क्या होते हैं? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान व कार्निको बार भी अलग होते हैं इसी से। तो विकल्प आप लोगों ने लॉक कर लिया? चलिए अब आप लोग लॉक नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी लॉक करिए, मतलब 100% आप लोग जवाब नहीं देते हैं। 10 डिग्री चैनल से, तो 10 डिग्री चैनल से ये लोग भी अलग हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी का जवाब सही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। अगला आपके सामने सवाल, तंजानिया की राजधानी क्या है? देखिए विश्व भूगोल में आपको राजधानी याद करनी होगी, चार विकल्प है आपके सामने, किसी एक विकल्प को ताला लाग करिए। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया, इसका पुराना किसी को पता है? तंजानिया का पुराना नाम, पुराना नाम कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। टेनीगेनिका है, क्या है? टेनीगेनिका है। चलिए अब 3 सेकंड बाद आप विकल्प लॉक नहीं कर पाएंगे। इसकी राजधानी क्या थी पता है किसी को? इसकी राजधानी जो थी वो दार ए सलाम थी, इसकी राजधानी दार ए सलाम थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा है। अर्थात इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको देखना है तो क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए यहां पर यह प्रश्न आजकल कितना अजीब तरह का है, जो पुरानी राजधानी पूछ दिया। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पुरानी राजधानी नहीं पता होगा, पुराना इसका नाम नहीं पता होगा, वो इस ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे? तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक है, अगले आपके सामने अगला प्रश्न है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया था? चार विकल्प आपके सामने, फिर यहां पर आपको बताना है दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। यह आपको दोनों का जवाब देना है, लेकिन यहां पे पहले प्रश्न नंबर 23 का जवाब सभी को देना है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। इससे जुड़े बहुत सारे तथ्य हम आपको बताएंगे, जिससे कॉपी कलम लेकर आपको लिख भी लेना है और डेली क्लास में जुड़े रहिएगा। देखिए डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे आप विकल्प लॉक कर चुके हैं।
यहाँ पे मैं सारे बारे में बता दूँ। पहले दक्षिण की जो गंगा है, दक्षिण की गंगा ये गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी को कहते हैं। ये सदा नीरा है। विध गंगा गोदावरी को कहते हैं। इसके बारे में और आप लोग को अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यह नदी दक्षिण की पठार की सबसे बड़ी नदी है। कितनी इसकी लंबाई है? इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट के दक्षिण पश्चिम त्र्यंबक से निकलती है और ये वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरी, पूर्णा, इंद्रावती, मानेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। बंगाल में खाड़ी में गिरने से पहले ये त्रिकोणाकार डेल्टा निर्माण करती है। राजमुंदी के पास इस पर एनीकट बांध इसी नदी बनाया गया। एनीकट बांध जो है वो इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उन सभी का थैंक यू, और आप लोग की वजह से क्लास चल पाती है, और ईश्वर करे आप सभी लोग अगली भर्ती में आपका चयन जरूर हो, क्योंकि आप साथ देंगे तो आप के हृदय और आत्मा अगर पाक है तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, एक ही एक बताइएगा, इस विकल्प में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके सामने जो चार विकल्प है, अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, और एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जाए इसमें सदा नीरा किस नदी को कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए कि आप बता लेंगे निम्नलिखित में से सदा नीरा किसे कहा जाता है। क्या कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि निम्नलिखित में से सदा नीरा किसे कहते हैं? ये सदा नीरा कावेरी को कहते हैं, और नर्मदा को डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। अगला है, कौन सी संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? चार विकल्प आपके सामने, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिएगा कौन सा विकल्प इन चारों में डिफरेंट या अलग है। अब विकल्प को जल्दी ताला लगाइए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। एक ऐसा विकल्प है जो आपको लग जाएगा प्रश्न से ही कौन सा अलग है इन चारों विकल्प के आधार। चलिए आप लोगों ने विकल्प लॉक कर लिया, अब ताला नहीं लगा पाएंगे आप लोग। अगली क्लास के लिंक आपको आ गई है, आप लोग जोड़ सकते हैं अगली क्लास के लिए। यहाँ पे ध्यान देना है जल। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जल होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजैव नवीकरणीय संसाधन है। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 2012 में जल्दी जल्दी बताइए, आपके सामने चार विकल्प, किसी एक विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। ये 30वां ओलंपिक बताइए कौन सा था? ये 30वां खेल भी आपके सिलेबस में है, 2012 में। बताइए कौन से विकल्प आप लोगों ने लॉक किया है। चलिए अब आप लॉक नहीं कर पाएंगे, ये लंदन में हुआ था जो इंग्लैंड की राजधानी है। अगर 31वां पूछ लिया जाए तब तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग तैयार हैं? अगला है, छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भूआकृति है जो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चार विकल्प विश्व भूगोल की सीरीज है, आपके सामने चार प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक को लॉक कर सकते हो। ऊपर लिंक आपको मिल रहा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है आप उसमें जुड़ जाएं सभी साथी। सौरभ सर की लिंक आ रही है आप लोग के पास, वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए छत्रक से लेकर हम बात करें, ये छतरी नुमाज की आकृति होती है, इन्हें गारा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गारा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, इन्हें गारा भी कहते हैं। अगर जर्मनी में अगर पूछा जिन्हें क्या कहते हैं,
जर्मनी में ने पिट्ज फेल्सन कहते हैं, पिट्ज फेल्सन, फेल्सन कहते हैं। आइए, आप लोगों ने इसका विकल्प तो सही लगाया है, आधे लोगों ने सही नहीं दिया है। ये मरुस्थली क्षेत्रों में अपरदन के बाद ये दिखाई देती है। मरुस्थली क्षेत्र में जब अपरदन हो जाता है तो उसके बाद ये आपको क्या करती हैं, दिखाई देती है। ठीक है, अगला, माउंट एवरेस्ट नाम किसने, किसके नाम पर रखा गया? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतरोही के नाम पर, भारत के महान सर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, जवाब दें। चार विकल्प आपके सामने, किसी एक का ताला लगाइए। आपको लगेगा कि आप ऑनलाइन परीक्षा में बैठे हुए हैं और अपने विकल्प को लॉक कर रहे हैं आप। बताइए जल्दी से, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम सभी। इसके बारे में अब आप लोग का लॉक नहीं कर पाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं हम सभी इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पे भारत के एक महा सर्वेक्षक के नाम पर, किसके नाम पर? भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर ये रखा गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। उस समय इसकी जो खोज थी, एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की खोज कब हुआ था? ये 1949 से लेकर 55 के बीच में हुआ था। उस समय सर्वे जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे। कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे। इन्हीं के सम्मान में चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया। एवरेस्ट नामकरण से पहले इस चोटी का नाम क्या था पता है? एवरेस्ट चोटी से पहले इसका नाम क्या था, इसका पुराना नाम किसी को पता है? पुराना नाम, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसका पुराना नाम पता है? कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको इसका पुराना नाम पता है? आपके पास समय है, मैं आपको यहाँ पर समय दे रहा हूँ। आज इलनी बिदर्गेज पर आप बताइए कि आज तक आपने एवरेस्ट की चोटी का पुराना नाम पढ़ा है? क्योंकि आज तक कोई आपको बताया ही नहीं होगा, कभी ऐसा बात नहीं पड़ा होगा या किसी के पास इसकी जानकारी न रही। इसका पहले नाम था पीक 15। इसका नाम क्या था? पीक 15, मतलब शिखर 15। इसका पुराना नाम क्या था? शिखर 15। फिर जब जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की तब इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। सागर माथा नेपाल में कहते हैं, सागर माथा नेपाल में। कुछ लोग को ये भी नहीं पता कि इसे नेपाल में कहते हैं। जी नहीं, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। देखिए आज की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट थी, आप लोग ने पढ़ लिया। ये प्रश्न आपको प्रायः किताबों में नहीं मिलते हैं, शायद नहीं भी हो, आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चार विकल्प में से किसी विकल्प को लॉक करिएगा। चार विकल्प में से किसी एक विकल्प, अगली क्लास आपके कुछ देर के बाद होगी, उस पर भी आप लोग जुड़े रहिएगा। डेली क्लास के लिए मैंने आपसे कई बार कहा, अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। क्लास पसंद आया तो अपने 10 साथियों को बताइए क्लास के बारे में, उसकी टाइमिंग बताइए। प्रश्न नंबर 28, देखिए इंटरपोल की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 अक्टूबर, पहले तो देखा जाए ये 1914 में, जैसे जान लीजिएगा 1914 में था। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पर्यवेक्षक का दर्जा मिला वो मिला था 15 अक्टूबर 1996। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। मतलब 15 अक्टूबर 1996 को इंटरपोल को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। इसका मुख्यालय पता है किसी को? मुख्यालय
बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जितने भी वीडियो को लाइक देख रहे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए इसका मुख्यालय लियोन में है। लियोन कहाँ पे है, फ्रांस में। अगर ये विकल्प नहीं है तो हम पेरिस का चयन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये विकल्प नहीं है तब हम पेरिस का चयन कर सकते हैं। क्लियर, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पे सामने है, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोग कहते हैं कहाँ स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलेंगी जानने को, आपके सामने चार विकल्प है, किसी विकल्प को जल्दी से ताला लगाइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए एक बात और जानते रहिएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। लेकिन इस प्रश्न का जो विकल्प है वो क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। आप लोगों ने लॉक चार विकल्प है आपके पास, बताइए जल्दी से। 29 में देखिए अहमदाबाद में स्थित जो भौतिक अनुसंधान की जो प्रयोगशाला है अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। किसके विभाग के, अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रमुख केंद्र जो है वो कहाँ पर है, वो आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, आपके अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है कहाँ पर स्थित है, यह आपके अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का अहमदाबाद। लेकिन अगर ये प्रश्न आता कि जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है ये कहाँ पर है, तब उसके लिए आप क्या करते हैं, चलते हैं, तब उसका उत्तर नई दिल्ली होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न है, बुनकर बहुदी फंड योजना उत्तर प्रदेश कब से चलाई जा रही है। यह आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। डेली क्लास के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। ये सभी क्लासेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाता है राष्ट्र निर्माण में, ताकि आपकी भूमिका हो सके। डेली क्लास के लिए सबसे पहला काम आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको इसकी PDF और क्लास की सभी लिंक आपको मिल जाएगी पूरे दिन क्लास की। बाकी फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश। तो प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा, जो बुनकर बहुदी फंड योजना है ये बुनकरों को सामाजिक कार्यक्रम में सहायता देने के लिए ये चलाया गया था। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जो बुनकर थे उनको शादी में बुनकर हाट और वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की जो सहायता राशि उनके पास आती थी। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो क्या होगा, 1975 और 76, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी है। मैंने शादियों में बुनकर हाट और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए इनके लिए व्यवस्था होती थी। अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए डी, तो डी की जो संख्या है वो काफ़ी कम लोगों ने बताई थी। ठीक है तो आज की सीरीज डी को 18 प्रश्न लोगों ने बताई थी, आज की सीरीज यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अगली क्लास के लिए जुड़े रहिएगा। सभी क्लास नोट्स आपको उपलब्ध हैं, आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। GS की सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत, इसके बाद अगली क्लास विषयवार चलेगी, उसमें भी आप लोग जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि अगली क्लास में आप लोग रहेंगे। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है ईश्वर करे कि वो अपना बेस्ट देते रहें और अगली भर्ती में उनका सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।